कला का सामान्य परिचय हम लोगों को देखना है। थोड़ा सा कल देखा भी गया था। उसी को हम लोग एकदम आरंभ से आज देखेंगे। कला का सामान्य परिचय टॉपिक है और बताए रहे होंगे कि जो भारतीय संस्कृत है इसमें मानव जीवन का चरम लक्ष्य पुरुषार्थों की प्राप्ति माना गया और पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष को रखा गया है। तो जीवन का चरम उद्देश्य पुरुषार्थों की प्राप्ति है। कला का उद्देश्य भी पुरुषार्थों की प्राप्ति ही है और पुरुषार्थों में कला विशेषकर काम पुरुषार्थ से संबंधित है। इसमें बताए रहे होंगे कि कला काम पुरुषार्थ से विशेष रूप से संबंधित है। इसे जानने के लिए जानेंगे कि जो कला शब्द है ये का प्लस ला से मिलकर बना हुआ है, जिसमें का काम अर्थात कामदेव का सूचक है और कामदेव के पर्यायवाची होते हैं हर्ष उल्लास आनंद सौंदर्य आदि कामदेव के पर्यायवाची हैं। और ला का तात्पर्य लाना अथवा देना लिया जाता, इसीलिए कहा गया है कलांति। कदातीत कला क्लांत ददातीत कला। यहां क्लांत का तात्पर्य सौंदर्य से, इसका मतलब हुआ क्लांत ददातीत कला का मतलब हुआ सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला। लेकिन यहां ध्यान देंगे कि जो सुख प्रदान करना शब्द है वो सामान्य सुख ना होकर परम सुख परम सुख के रूप में है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। और यहाँ पे जो सुख शब्द है ये सामान्य सुख ना होकर परम सुख के
रूप में, बैठ लीजिए बेटा, वैसे यहाँ बनाया गया इधर साइड लड़कियों के लिए, इधर लड़कों के लिए, बैठ लीजिए खाली आप। आगे देखेंगे इसी को दूसरे संदर्भ में इस तरह भी कह सकते हैं कि मानव की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे, कला या सुख प्रदान करे, कला है, आशय एक ही रहे। इसी को इस ढंग से भी कह सकते हैं कि कलाकार की अनुभूत से परिपूर्ण चित्रण कला। इसी चीज को इस ढंग से भी कह सकते हैं कि दर्शक के मन में उत्पन्न रस निष्पत्ति और रस निष्पत्ति का मतलब है आनंद की अनुभूति। दर्शक के मन में उत्पन्न रस निष्पत्ति या आनंद की अनुभूति कला। आगे देखेंगे जो कला शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। जिनकी इच्छा हो वो शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। वैसे हमारी समझ से केवल इसको समझने की कोशिश करिए, ज्यादा बेटर। नोट दो दिन बाद देंगे, उसमें सुधार हो रहा है। और जो शब्द बोले जा रहे हैं सब कुछ नोट्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोला गया वो ना, तो समझने की कोशिश करिए, ज्यादा बेटर है। और चाहे तो आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते। तो कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत के विद्वानों ने कला शब्द की उत्पत्ति तत् अथवा कम अथवा कल धातु से माना है। कत का मतलब सुंदर, मधुर, कोमल आदि होता है, या इस तरह कहिए कत का तात्पर्य सुंदरता लाना, मधुरता लाना, कोमलता लाना आदि लिया जाता है। कम का तात्पर्य लाना या लाने वाला या प्रेरित करना या प्रेरित करने वाला आदि लिया जाता। अरे सॉरी, हाँ कम है ना, लाना या लाने वाला, यहां सुधार करिएगा, थोड़ा सा सुधार करिए, दूसरे का से हमने लिख दिया। कम का तात्पर्य लाना या लाने वाला, कल का तात्पर्य प्रेरित करना
या प्रेरित करने वाला लिया जाता है। और इतना देखेंगे, सुंदरता लाना, मधुरता लाना, कोमलता लाना, लाना प्रेरित करना, ये शब्द कला से जुड़े हुए। और इससे स्पष्ट है कि जो कला है इसमें कर्म या कृतित्व या कार्य कौशल कर्म या कृतित्व या कार्य कौशल प्रधान तत्व है। इसके विपरीत विज्ञान में ज्ञान को प्रधान तत्व माना गया है। आगे देखेंगे, अंग्रेजी में कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ और अंग्रेजी भाषा का आर्ट शब्द है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ और अंग्रेजी के आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम या आर्टम से उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी का आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम या आर्टम से बना है। आर्स या आर्टम या आर्टम शब्द जो है ये अर्र धातु से उत्पन्न हुआ और अर्र का तात्पर्य पैदा करना या फिट करना या बनाना लिया जाता है। और यहां भी सब जगह ना 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 आ रहा, तो इस तरह से चाहे यूरोप हो या भारत, दोनों जगहों पे कला में कर्म या कार्य कौशल या कृतित्व ही प्रधान तत्व माना गया था। इसके विपरीत विज्ञान में ज्ञान प्रधान तत्व है। यूरोप में पहले कला शब्द कर्म के रूप में ही प्रयुक्त होता था, लेकिन 13वीं अथवा 17वीं सदी से चित्र, संगीत, काव्य, भाषण, तर्क आदि के लिए भी कला शब्द का प्रयोग यूरोप में होने लगा। यहां तक हम लोग देखे थे। अब यहां से आगे देखते हैं, जब भारत को देखेंगे तो भारत में कला शब्द का प्रथम उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिल जाता है। कला शब्द का प्रथम उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ है,
लेकिन ऋग्वेद में कला शब्द का उल्लेख मात्र है। कला शब्द का सही प्रयोग या व्यवहारवादी प्रयोग या यथार्थवादी प्रयोग, सही प्रयोग या व्यवहारवादी प्रयोग या यथार्थवादी प्रयोग पहली बार भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री, सौंदर्य शास्त्री का मतलब है कला आचार्य भरत मुनि ने ईसवी सन के आरंभ में प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य में किया। तो कला शब्द का पहली बार यथार्थवादी प्रयोग या सही प्रयोग या व्यवहारवादी प्रयोग भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री भरत मुन ने ईसवी सन के आरंभ में प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य लिखे गए अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया। नाट्य शास्त्र में किया। साथ ही जानेंगे कि जो भरत मुनि हैं, इनके नाट्य शास्त्र के पहले भारतीय साहित्य में कला शब्द के स्थान पर शिल्प शब्द का अधिक चलन था। वैदिक ग्रंथ कौशीतकी ब्राह्मण, ध्यान देंगे कि कौशीतकी ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ब्राह्मण की वजह से कोई आदमी उद्भी समझ लीजिए। तो वैदिक ग्रंथ ऐसे तो सब प्राचीन भारत में बड़ा बवाल है, जो सभी इतिहासकारों ने एक मत से माना है उसके अनुसार वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय वैदिक काल है। अब इस वैदिक काल को मूल रूप में दो चरण में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक काल, ये चरण होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, डेटे सब ईसा पूर्व में है। दूसरा चरण है उत्तर वैदिक काल, ये समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद है, बाकी जितना वैदिक साहित्य है, 3 वेद, 18 ब्राह्मण, 300 उपनिषद,
आठ आरण्यक, ये सब उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। तो ऋग्वेद काल में केवल ऋग्वेद, तो इसको इसे जानते रहिए, इससे आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, फिर भी एक पीरियड समझ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये बता रहे थे जो कौशीतकी ब्राह्मण है, इस ग्रंथ में संगीत को शिल्प कहा गया। एक ग्रंथ है पाणिनि, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इस ग्रंथ में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ और शिल्प को कारु और चारु में विभक्त किया गया। कारु का तात्पर्य उपयोगी कला से और चारु का तात्पर्य ललित कला से लिया जाता। तो हम ये बता रहे थे कि जो भरत मुनि है उनके नाट शास्त्र के पहले भारतीय साहित्य में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का अधिक चलन था। उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ केवल बताए हैं, जैसे कौशीतकी ब्राह्मण में संगीत को शिल्प कहा गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कला के स्थान पे शिल्प शब्द है और शिल्प को कारु व चारु में विभक्त किया गया। कारु उपयोगी कला और चारु ललित कला। इसके अलावा महाकाव्यों वगैरह में भी कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ। तो कुल मिला के भरत मुन के पहले कला के स्थान पर शिल्प शब्द का चलन था और शिल्प में सब कुछ समाहित माना गया। एक मास काव्य को छोड़, एक मास काव्य को छोड़। अब आगे देखेंगे कि भरत मुनि जो हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया और सब कुछ कला में समाहित माना, और सब कुछ कला में समाहित मानते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है ना सज ज्ञानम ना सज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला, ना तज ज्ञानम ना तज शिल्प ना सा विद्या ना सा कला। मतलब ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसे कला में समाहित न माना जाए।
अर्थात सब कुछ कला में समाहित है। अब आगे देखेंगे, ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे कि भरत मुनि के पहले आपके साहित्य में कला की जगह शिल्प शब्द का अधिक चलन था, शिल्प में सब कुछ समाहित था, मतलब संपूर्ण मानवीय क्रियाकलापों को शिल्प में रखा गया, एकमात्र काव्य को छोड़कर। ऐसे में प्रश्न उठता है कि काव्य को कला माने या न माने। जय शंकर प्रसाद नंद दुलारे वाजपेयी रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों काव्य को कला नहीं मानते और लिखते हैं कि छिटपुट पंक्तियां, मतलब एक दो पंक्तियां जो कवि मनोविनोद के लिए लिखता है उसे कला कहा जा सकता है, किंतु काव्य कला नहीं है क्योंकि काव्य विद्या। तो कुल मिला के ये तीनों काव्य को कला नहीं मान रहे। एक प्राचीन विद्वान है भर्तृहरि, भर्तृहरि ने लिखा है नीति सत्कम, नीति सत्कम, और अपने ग्रंथ नीति सत्कम में भर्तृहरि ने भी काव्य को कला नहीं माना। भर्तृहरि ने नीति सत्कम में लिखा है साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु साणी हिना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पुष्पुच्छ विषाण हीना। इसका मतलब साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में पूंछ और श्रृंग रहित पशु ही है। अब यहां देखेंगे जो साहित्य है इसका मतलब है काव्य, मतलब भर्तृहरि कह रहे काव्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और श्रृंग रहित पस ही है। इसका मतलब है कि एक काव्य संगीत कला
तीनों को पृथक पृथक मान रहे। और अगर ऐसा ना होता तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल यह लिख देते कला विहीना नर पशु समाना, वही भाव निकलता जो इतना लंबा चौड़ा लिखने पे निकल रहा। लेकिन एक काव्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, मतलब काव्य संगीत कला तीनों को ये अलग अलग मान रहे, मतलब काव्य को कला नहीं मान रहे। तो इस तरह से आधुनिक विद्वानों में जय शंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, ये तीन काव्य को कला नहीं मानते, और प्राचीन भरतीहर भी काव्य को कला नहीं मानते। लेकिन मान विचार के अनुसार काव्य कला है। ये चार नाम जब लेंगे तो ये नहीं मान रहे, मान विचार के अनुसार काव्य कला है। और काव्य को कला मानने का आधार है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति मतलब आनंद की प्राप्ति, मतलब कि जिस तरह से हमें चित्र के रंगों को देखकर, संगीत की ध्वनियों को सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह काव्य के अर्थों को सुनकर या जानकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु, धर्मोत्तर पुराण, इसमें भी रस निष्पत्ति के आधार पर काव्य को कला माना गया। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के रंगों से, संगीत की ध्वनियों से और काव्य के अर्थों से उत्पन्न रसों में कोई भेद नहीं किया गया। तो अब आपसे मानेंगे काव्य कला है कि नहीं, तो आप कहेंगे काव्य कला है। कौन काव्य को कला नहीं मानता? जय शंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और भरतीहर। आगे फिर पूछे काव्य को कला मानने का आधार क्या है? रस निष्पत्ति। किस ग्रंथ में रस निष्पत्ति के आधार पर काव्य को कला माना गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अब हम लोग आगे देखेंगे कला के प्रकार, कला के प्रकार। लेकिन इससे पहले देख लेते जो कुछ हम लोग देखे इनमें कहां कहां से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, फिर देखेंगे कला के प्रकार। एक क्वेश्चन तो यहां से जीएस टाइप का बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनेगा। वो जीएस टाइप कोई बना सकते हैं, के भी बना सकते हैं,
कि भारतीय संस्कृत में जीवन का चरम लक्ष्य किसे माना गया? आंसर, पुरुषार्थों की प्राप्ति। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पुरुषार्थों में कौन समाहित नहीं है, जनरली निगेटिव ही बने, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कि जो पुरुषार्थों में कौन समाहित है वो धर्म अर्थ काम अलग अलग विकल्प बना के अंतिम दे देंगे, उपर्युक्त सभी। निगेटिव जनरली बनेगा, पुरुषार्थों में कौन समाहित नहीं है, इनमें से कोई तीन विकल्प देंगे, एक विकल्प कोई अलग से देंगे, ये तो जीएस टाइप के बन जाएंगे। अब फिर कला का बनेगा कि कला का उद्देश्य क्या है, आंसर होगा पुरुषार्थों की प्राप्ति। अगला फिर बना देंगे, पुरुषार्थों में कला किस पुरुषार्थ से संबंधित है, आंसर होगा काम। फिर इसके बाद व्याख्या से बनेगा नहीं, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करना इसका उद्देश्य है कला। फिर बना देंगे, कला का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना भी विकल्प में रहेगा, बाकी और भी बहुत से विकल्प बनाएंगे, एक विकल्प बनाएंगे चरम सुख या परम सुख की प्राप्ति, तो सटीक विकल्प होगा परम सुख की प्राप्ति। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनाएंगे, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन को आनंद प्रदान करे किस नाम से जानी जाती है, आंसर है कला। और फिर बनाएंगे, कलाकार की अनुभूत से परिपूर्ण चित्रण को क्या कहा जाएगा, कला। या इसी दूसरे ढंग से फिर बना देंगे, दर्शक के मन में उत्पन्न रस निष्पत्ति या आनंद की प्राप्त को क्या कहा जाएगा कल। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका यहां से बनाए, कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। यहां से क्वेश्चन जनरली नहीं बनेगा, फिर यहां से बनेगा, अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन। फिर एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, यूरोप में संगीत काव्य तर्क व्याकरण भाषण आदि के लिए कला शब्द का प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ, तो बरीता 13वीं को देंगे, 13वीं ना हो तो ऐसी स्थिति में 17वीं को भी सही माने। फिर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि कला में प्रधान तत्व क्या है, कर्म या कृतित्व या कार्य। विज्ञान वाला आपसे पूछेंगे नहीं, विज्ञान में होता है ज्ञान। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि कला शब्द का प्रथम
उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? अगर आपके विकल्प में ऋग्वेद हो तो वही सही, लेकिन जनरली ये कई बार पूछा गया होगा, ऋग्वेद विकल्प में ही नहीं रहता, और जब ऋग्वेद नहीं रहेगा तो बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे नाट शास्त्र पर पहुंचेंगे, मतलब वो आशय ले लिया जाएगा। वो पूछना चाह रहा है कला शब्द का सही प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ, तो ऋग्वेद है तो सबसे सही, वो नहीं है तो नाट शास्त्र। अगला क्वेश्चन बहुत चर्चित है, कला शब्द का पहली बार यथार्थवादी प्रयोग या सही प्रयोग या व्यवहारवादी प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो होगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने किया है? भरत मुनि। अगला एक शब्द केवल यहां से इसके अर्थ से बने, भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे भरत मुनि, और बाकी ये भी बन जाएगा उसका अर्थ कि सौंदर्य शास्त्री किसे कहते हैं, कला आचार्य को। तो भारत के पहले सौंदर्य शास्त्री कौन थे ये भी बनेगा, सौंदर्य शास्त्री किसे कहा जाता है, कला आचार्य को। अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां से बढ़िया क्वेश्चन फिर बनेगा, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की? अलग अलग प्रश्नों में दोनों सही है, प्रथम सदी ईसा पूर्व भी सही है, प्रथम सदी ईसवी भी सही है, लेकिन संयोग से यही प्रश्न हो कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की, और दोनों विकल्प एक ही प्रश्न में हो, प्रथम सदी ईसा पूर्व भी, प्रथम सदी ईसवी भी, तो वरीयता हमेशा देंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व। हाँ ये ना हो तो प्रथम सदी ईसवी भी सही है। इसके बाद फिर बनेगा क्वेश्चन कि चाहे वो देगा भरत मुनि के पहले या सीधे दे देगा कि प्राचीन साहित्य में पहले कला के स्थान पर किस शब्द का अधिक चलन था? आंसर होगा शिल्प। दूसरे, शिल्प में किसे समाहित नहीं किया गया? तो जितना आप सोच पाएंगे सब समाहित रहेगा, केवल काव्य को नहीं रखा गया, तो शिल्प में कौन नहीं रखा गया है? काव्य। और ये पूछे कौन समाहित है तो सब रहेंगे, वही केवल काव्य वाला विकल्प गलत रहेगा। ये प्रसंग भी पूछ सकते हैं, किस ग्रंथ में संगीत को शिल्प कहा गया? कौशीतकी ब्राह्मण में अष्टाध्यायी में कला के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग, शिल्प। और आगे कर देंगे, किस विद्वान ने शिल्प को कारु चारु में विभक्त किया? पाणिन ने। पाणिन के अष्टाध्यायी में उल्लिखित कारु क्या है, चारु क्या है, तो कारु उपयोगी कला है, चारु ललित कला। और दूसरे जानेंगे नाट्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहां सामान्य परिचय में थोड़ा सा हम लोग जो संदर्भ आया इतने पढ़ रहे हैं, इसे डिटेल में जब प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है,
पूरा वाक्य दे देंगे और पूछेंगे ये किस ग्रंथ से लिया गया, नाट्यशास्त्र से। आगे कौन विद्वान काव्य को कला नहीं मानता, तो आधुनिक में ये तीन नाम, प्राचीन में भरतीहर। एक ये बनेगा बढ़िया क्वेश्चन, नीत शतकम का लेखक कौन है, भरतीहर। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पस पुच्छ विषाण हीना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जाहिर है नीत शतकम से, किसने लिखा है, भरतीहर। अब फिर पूछ लेंगे आपसे काव्य कला है कि नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, काव्य कला है। आगे फिर बन जाएगा काव्य को कला मानने का आधार क्या, रस निष्पत्त अर्थात आनंद की प्राप्ति। रस निष्पत्त के आधार पर किस ग्रंथ में काव्य को कला माना गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुरा। और अभी तक हम लोग जो देखे उस पर इतने ही क्वेश्चन संभव। अब आप सार पेपर आपको जो हल करना हो तो उसको हल करके देखिए, वो कोई परीक्षा हो, पीजीटी पीजीटी में इतने होंगे ही, नेट वगैरह भी इसके बाहर के नहीं हो, नाट साथ में होंगे इसके बाहर के बहुत कुछ, कारण कि नाट साथ अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब साहित्य पढ़ेंगे। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं कला के प्रकार। जो कुछ देखा गया उसमें किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा पहले कर ले, तब इस पर चर्चा कर। ये वाले रामचंद्र शुक्ल हिंदी वाले ही, माने पंडित रामचंद्र शुक्ल, हाँ आचार्य या पंडित रामचंद्र शुक्ल कहे। और जो कला वाले रामचंद्र शुक्ल है वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कला के प्रकाश, कला के प्रकार। अब देखेंगे प्राचीन साहित्य में विविध प्रकार की बहुत सी कलाओं का उल्लेख है। कलाओं की सर्वाधिक संख्या बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में दी गई है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में दी गई है और ललित विस्तार में कुल 89 कलाएं बताई गई। जैन साहित्य को देखेंगे तो जैन ग्रंथों में 72 प्रकार की कलाएं बताई गई। राजशेखर रचित एक जैन ग्रंथ है
प्रबंध कोष कोष इसमें 72 प्रकार की कलाएं बताई गई, लेकिन प्राचीन हिंदू साहित्य में या कहिए संस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 दी गई और सामान्यतया यही माना जाता है कि प्राचीन भारत में कुल 64 प्रकार की कलाओं का चलन था। सबसे पहले वात्सायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया। साथ ही शुक्राचार्य ने शुक्रनीति सार में कश्मीरी विद्वान खेमेंद्र ने अपने ग्रंथ कला विलास में भी कलाएं 64 माना। इन तीनों ग्रंथों में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं और जनरली यही माना जाता है कि प्राचीन भारत में 64 प्रकार की कलाओं का चलन था, जिसमें सबसे पहले वात्सायन ने 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया। इनमें से जो क्षेमेंद्र हैं, ये कलाएं तो 64 ही मानते, लेकिन उनकी व्याख्या इन्होंने विशद ढंग से मतलब विस्तार से किया। क्षेमेंद्र लिखते हैं कि सुनार सोना कैसे चुराता, सुनार सोना कैसे चुराता है, इसकी भी 64। बल्कि यहां से ये कि छेमेन जो है कलाएं 64 मानते हैं, मतलब 64 जन उपयोगी कलाएं मानते हैं। साथ ही लिख रहे हैं कि सुनार सोना कैसे चुराता, इसकी भी 64 कलाएं। और ध्यान रहे कि ऐसे तो हर व्यवसायी चोर होता, जितने व्यवसायी होते हैं वो चोर और झूठे तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होगा तो व्यवसाय ही नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा चोर जो है वो सुनार ही होता, उसके सोने चुराने के बहुत ढंग होते हैं। यद्यपि अब धीरे धीरे नियंत्रण लग रहा है और आप लोग भी जब सोना खरीदने जाइए तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, नंबर होते हैं, जैसे 850, 903 छोटा सा लिखा रहे और वो बताएगा वो कितने कैरेट का है। उसके अलावा ये कोड होता, अगर वो ऐप लोड किए हैं और वो कोड ऐप में डाल देंगे तो पूरा डिटेल दे देगा, कितना परसेंट उसमें सोना है, कितना तांबा है, क्या क्या मिक्स है, कितना, वो ऐप पूरा डिटेल डाल दे देता।
और यहां बता रहे थे सुनार सोना कैसे चुराता है, इसकी भी 64 कलाएं तेमेन ने माना है। वेश्या पराये पुरुषों को मोहित करके कैसे पैसे कमाती है, इसकी भी छेमेन ने 64 कलाएं बताया। साथ ही छेमेन जो है ये कायस्थों अर्थात लेखकों कायस्थ मतलब लेखक की 16 कलाएं बताए, मतलब लेखक लेखनी के द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, इसकी 16 कलाएं। मतलब रंजना कश्यप वगैरह में पूरी 16 कलाएं। अरे बहुत बड़ी चीज है कि आपके जितने जो हैं ये समाचार वाले हैं, जैसे आज जो संदर्भ चल रहा है गोदी मीडिया, प्रचारित शब्द है गोदी मीडिया, तो जो प्रचारित शब्द है उसके बेस पे कह सकते हैं कि बस केवल प्रेस और समाचार माध्यम ही है जो मोदी सरकार की कई कमियों, जैसे इधर जो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड, पीएम कोष, इन सबको छुपाए हुए, भारत का ऋण, अन्यथा अगर ये सब बराबर शुरू से न्यूज में आते रहते तो सरकार इतनी बदनाम हो जाती उसे जीत पाना मुश्किल होता। अभी कल हम देख रहे थे दो तीन के आए हैं, एक जो सिप्ला दवा वाली कंपनी है वो इधर अपने मानक में 7 बार फेल हुई और उसने 37 करोड़ का इलेक्ट्रोनल बांड ले लिया, उसे बिजनेस करने की टोटल छूट दे दी गई। तो ये सब चीजें अगर जनता के सामने बार बार पेपर में आती रहती तो जनता का दृष्टिकोण तुरंत सरकार से विमुख हो जाता। तो कायस्थों की जो है 16 कलाएं, मतलब लेखक लेखनी द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, इसकी 16 कलाएं। विशज का मतलब होता चिकित्सक या वैद्य की 10 कलाएं बताया, इतने पूछी जाती। इनके अलावा तो तार कलाएं बताया, इसके अलावा और भी बहुत सी कलाओं का इन्होंने उल्लेख किया। लेकिन हमारे परीक्षा में कितनी कला मानते हैं, कायस्थों की भेषजों की, जनरली यही दो पूछी जाती है। अब देखेंगे जो छेमेंद्र है ये बता रहे हैं कि सुनार सोना कैसे चुराता है, ये भी कला। वेश्या पराये पुरुषों को मोहित करके पैसे कैसे कमाती है, ये भी कला। लेखक या विद्वान अपनी लेखनी द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, ये भी कला है। भिषज या चिकित्सक हम लोगों को कैसे धोखा देता है, इसकी यानी ये भी कला। इतना देखने के बाद निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि छेमेंद्र का जो विवरण है इससे स्पष्ट है कि कुशलता पूर्वक किए गए किसी भी कार्य को कला कहा जा सकता। कुशलता पूर्वक किए गए किसी भी कार्य को कला कहा जा सकता। कुशलता पूर्वक अर्थात चातुपूर्ण, इस तरह से किसी भी चातुपूर्ण कार्य या कुशलता पूर्वक
किए गए कार्य को कला कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत उपयोगी और ललित दोनों कलाएं आ जाती, उपयोगी कला उस कला को कहेंगे जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो, जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, सुनारगिरी, कताई बुनाई आदि। ललित कला जो है ये आनंद और सौंदर्य बोधक कला, आनंद और सौंदर्य बोधक कला। अब जानेंगे उपयोगी कला, ललित कला, ये नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। प्राचीन साहित्य में ये दोनों शब्द या दोनों नाम नहीं मिलते, इसका मात्र एक अपवाद है, कालिदास रचित रघुवंश, जिसमें ललित कला शब्द का उल्लेख हुआ। उपयोगी कला, ललित कला, ये नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। प्राचीन साहित्य में इनका उल्लेख नहीं है, इसका एक मात्र अपवाद है कालिदास रचित रघुवंश, जिसमें ललित कला शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन इसका मतलब ये आप कताब नहीं लेंगे कि भारतीयों को ललित और उपयोगी कला का ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, बस नामकरण अलग ढंग से हुआ। पाणिन को याद करिए कि अष्टाध्यायी में कला की जगह शिल्प शब्द, शिल्प को कारु चारु में बांटा गया, और जो भारत का कारु है उसकी तुलना पाश्चात्य जगत के उपयोगी कला से, और जो भारत का चारु है उसकी तुलना पाश्चात्य जगत के ललित कला से करें। इस तरह से भले ही उपयोगी कला, ललित कला शब्द का उल्लेख प्राचीन साहित्य में ना हो, लेकिन भारतीयों को इसकी जानकारी थी, और पाश्चात्य जगत के उपयोगी कला के लिए हमारे यहाँ कारु और ललित कला के लिए चारु शब्द उपयोग हुआ। अब आगे देखेंगे, उपयोगी कला तो आप देख लिए, ललित कला को हमने बताया ये आनंद और सौंदर्य बोधक कला, और ये नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस ललित कला के अंतर्गत पांच कलाओं को रखा, ये है चित्र कला, मूर्ति कला, वास्तु कला, संगीत कला, काव्य कला।
इनमें से चित्र, मूर्ति, वास्तु, इन तीनों को देखेंगे तो इनका जो स्वरूप या रूप है उसी रूप को देखकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इन तीनों को हम रूप प्रधान कला कहें। संगीत जो है इसकी ध्वनियों को सुनकर हमें आनंद की प्राप्त होती, इसलिए संगीत को हम ध्वनि प्रधान कला कहेंगे। काव्य जो है इसके अर्थों को जानकर हमें आनंद की प्राप्ति होती, इसलिए काव्य को हम अर्थ प्रधान कला कहेंगे। और अब देखेंगे कि इस कला से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाए। ललित कला में जो चित्र कला है ये आपका सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन आपके ललित कला में किसी भी अंग से पूछ लिए जाए, मूर्ति कला से भी क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस भले में रखा गया, मूर्तियां वगैरह जो पूछ ली जा रही, वास्तु कला से भी आएंगे, मंदिर वगैरह पूछे जाएंगे, संगीत कला से भी आएंगे, संगीत कला से भी क्वेश्चन आएंगे, काव्य अर्थात साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस तो आपका ये है, लेकिन क्वेश्चन ललित कला के किसी भी अंग से पूछ ली जाए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो भी देखे इनमें कहां कहां से क्वेश्चन हम लोगों के आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन रहेगा कलाओं की सर्वाधिक संख्या प्राप्त होती है, अब वो जैसा विकल्प बनाए। एक ढंग ये भी होता है, दे दे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, हिंदू साहित्य, इस तरह से विकल्प बनाए तो बौद्ध साहित्य। दूसरे ढंग से बनाएगा कि कलाओं की संख्या सर्वाधिक किस ग्रंथ में प्राप्त होती, ललित विस्तार। फिर इसी को घुमा सकता है, या तो कह देगा बौद्ध साहित्य में, या कहेगा ललित विस्तार में कुल कितनी कलाएं दी गई, 89। उसी तरह से जैन ग्रंथों में कितनी कलाओं का उल्लेख है, 72। किस जैन ग्रंथ में 72 कलाओं का उल्लेख है, प्रबंध कोष। प्रबंध कोष का लेखक कौन है, राजशेखर। ये क्वेश्चन यहां से बन सकते। अगला क्वेश्चन बने प्राचीन साहित्य में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है, या प्राचीन भारत में कितनी प्रकार की कलाओं का चलन था। तब यहाँ 89-72 नहीं, सीधे आप कहेंगे 64। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा किस ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है, तीनों में है, लेकिन वरीयता हमेशा देंगे काम सूत्र। सबसे पहले काम सूत्र में ही 64 कलाओं का उल्लेख हुआ, बाकी तीनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है,
कामसूत्र किसकी रचना है, शुक्र नीत सार किसकी रचना है, कला विलास किसकी रचना है, और प्लस क्षेमेंद को ये भी जानेंगे, ये भी पूछ सकते क्षेमेंद कहाँ के थे, कश्मीर के, और बाकी कला विलास में कायस्थों की कितनी कलाएं हैं, भिषजों की कितनी कलाएं हैं, दो ही मेन है, बाकी जानते रहे कितनी सार कलाएं हैं, वेश्याओं की कितनी कलाएं हैं, सुनारों की कितनी कलाएं हैं, बाकी हैं बहुत कुछ, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत हम लोगों को नहीं। एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं, किसी भी चात पूर्ण कार्य या कुशलता पूर्वक किए गए कार्य को क्या कहा जा सकता, कला। आगे फिर पूछ लेंगे कि कला, ये पूछे ये किस प्राचीन ग्रंथ में ललित कला शब्द का उल्लेख है, एक मात अपवाद है, रघुवंश। रघुवंश किसकी रचना है, काली का, प्लस ऐसा तो कभी आया नहीं, लेकिन जान ध्यान में रखिए कि उपयोगी कला ललित कला नामकरण किसकी देन है, पाश्चात्य जगत की। ललित कलाएं हैं या ललित कलाओं में किसे रखा गया, पांचों। फिर पूछ लेंगे कि निम्न में कौन रूप प्रधान कला है, ये तीनों रूप प्रधान, कौन ध्वनि प्रधान है, संगीत, कौन अर्थ प्रधान है, काव्य। ये क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाने की संभावना है, माने यही सब क्वेश्चन पूछे जाते, उसमें कौन पूछा जाएगा ये पता हो तो इतना टेंशन काहे लिया जाए, अगर ये पता रहे 125 से न पढ़ा जाए। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी, ललित कला देख लिए तो आगे हम लोगों की टॉपिक रहेगी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, और बस आज के लिए इतना ही। जो भी कुछ देखा गया या ऐसे भी कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, तो उस पर चर्चा कर लिया। डेली का डेली रिपीट करते चलेंगे तो चीजें याद होंगी, बेहतर समझ में आएंगी, दिमाग में बनी रहेगी। कुछ दिन का गैप करेंगे कि रख देते, सुरक्षित बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर आगे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। कुछ भी कहीं भी किसी को पूछना है,